बीच में है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो यो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया,
ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकाराम टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए, इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है, इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। साथियों, जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। आपको एक स्कूल एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था। एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई कई साल लग जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सब से महरूम रखा गया।
जिन्हें आप अपना समझते रहे। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला, ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया।
मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपड़ू स्कीम बनाने का ऐलान किया। कश्मीरी पंडितों के साथ पीएम सम्मान निधि के 6000 रुपया मिलते रहे, अब यहां भाजपा की टीम ने इसको 10000 रुपये करने का ऐलान किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं, संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था, वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में दो संविधान चलते थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? यहां हमारे पहाड़ी भाई बहन मैं देख रहा हूं यहां आए हैं, क्या कारण है कि इतने साल तक उनको आरक्षण नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में ये एससी एसटी ओबीसी का नाम तक नहीं लेते थे। इतनी पीढ़ियां गुजरने के बाद उनको भाजपा ने आकर के, भाजपा सरकार ने आरक्षण दिया। आज ऐसे अनेक साथी हैं जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है। भारत का संविधान हर किसी को वोट का अधिकार देता है। ये संविधान को जेब में लेकर गए घूमने वालों ने 75 साल तक आप में से कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया था। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर की सभी माताओं बहनों से भी कहूंगा, इन्होंने इतने दशकों तक आपको भी धोखा ही दिया है। इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया। मैं सभी मुस्लिम बहनों बेटियों को भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाया तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही इसका विरोध किया था। ये आपके हिमायती नहीं है, ये सिर्फ अपने खानदान का हित सोचते हैं। साथियों, आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल झलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी,
कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे, क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते। जब मैं देश को सतर्क कर रहा था, इनके खतरनाक इदारों से सावधान करा रहा था, तब ये सारे लोग मिलकर मेरा मखौल उड़ाते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में इतने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है, और उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका?
2014, 2019, 2024, 60 साल के बाद तीन बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। साथियों, जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए दो बात बता के जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो जेल भेजने की बातें करके गए हैं। साथियों, ये नफरत दिखाने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकते। इनकी नफरत का शिकार जम्मू भी रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। साथियों, भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा। इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को यहां मंच पर बैठे हुए मेरे उम्मीदवारों से कहता हूं, सब आगे आ जाएं, आगे खड़े हो जाएं, उम्मीदवार सारे खड़े हो जाएं, आगे जो वहीं खड़े हो जाइए। हाँ, इन सब मेरे साथियों को जीता करके, भारी बहुमत से जीता करके सबके सबको विधानसभा में भेजना है। मैं एक मिनट उनके बीच जाकर के बधाई दे करके फिर यहां आकर